Good afternoon, students. I'm here again with you with a very important topic. In last two videos, I have discussed about the step-by-step solution of editing. Now, मैं जो है मुझे मालूम है कि आप लोगों को editing में और भी problem हो रहे हैं और उन problem को sort out करने के लिए हमारे पास ये एक बहुत बड़ा weapon है और इस औजार से आप जो है बहुत आसानी से editing वाले problem को समझ सकते हैं. मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए ग्रामर में. और कुछ यहाँ पर ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये आसानी से आप समझ जाएंगे. और इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप जो है एडिटिंग के एक्सरसाइज को बहुत आसान से कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास है, ये देखिए, 10 गोल्डन रूल्स जो आपको है आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगी. और ये एडिटिंग जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया ये एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है क्वेश्चन पेपर का. तो लेट्स डिस्कस करते हैं एक एक रूल को और बड़े अच्छे तरीके से इसके रूल को डिस्कस करते हैं. तो आइए चलते हैं 10 गोल्डन रूल्स और इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका जो आपको हर स्टेप में मदद करेगा. पहला रूल है मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब्स आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडल वर्ब, जैसे कैन, कूड, सेल, सुड, मे, माइट, आउट टू, नीड, यूज टू, ये सारा जो है मॉडल वर्ब्स है. तो मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा हम लोग जो है वर्ब वन यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करते हैं. जैसे अगर कैन, आई कैन डिड दिस वर्क, ये रॉन्ग है. आई कैन डू दिस वर्क, ये सही है. यानी कि आपको मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज़ करना है. अगर वहाँ अगर किया हुआ है, इसका मतलब है कि वो मिस्टेक है, वो गलत है, उसको आपको सुधारना है. दूसरा है एम इज़ आर. एम इज़ आर एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स है जो वी वर्ब्स का भी एक फॉर्म है. एम हमको पता है कि आई के साथ यूज़ करते हैं, इज हमको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ करते हैं, और आर हम लोग जो है आई, वी, दे, यू के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है. लेकिन एम इज़ आर में यहाँ पर हम जानना क्या है, जानने का ये है कि एम इज़ आर हम लोगों को पता है कि ये कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो. और उसके बाद यहाँ पर वॉज वेयर भी हो सकता है, अगर सेंटेंस में आपका वॉज या वेयर हो. वॉज या वर हो तो क्या होगा इसमें कि एम इज़ आर के साथ वर्ब में आईएनजी कब लगेगा, जब हम लोग उसको एक्टिव वॉइस में लिख रहे होंगे. एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी एक वीडियो में डाल दूंगा, उसमें भी आपको बहुत आसानी होगी समझने में. तो यहाँ तक समझ लीजिए, जैसे आई एम गोइंग अ बुक, आई एम ईटिंग अ मैंगो, ये सारा सेंटेंसेस जो है वो एक्टिव वॉइस में, यानी कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में ही लिखे जाते हैं. अगर एम इज आर में अगर पैसिव वॉइस हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग वर्ब थ्री यूज़ करेंगे. हम लोग को मालूम है कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि आई वॉज इन्फॉर्म्ड, आई एम इन्फॉर्म्ड, आई एम आई एम लुक्ड आफ्टर बाय माई मैटरनल अंकल. तो जो पैसिव वॉइस में होते हैं उसमें एम इज़ आर या वॉज वेयर के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस में हम लोग एम इज आर के साथ वर्ब में आई एन जी यूज़ करते हैं, जो कि कंटिन्यूअस टेंस होता है. सेकेंड थर्ड रूल हो गया कि टू के बाद हमेशा वर्ब वन यूज किया जाता है. अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब जानते हैं, पढ़े होंगे, उसके बारे में भी आपको वीडियो में अपलोड करूँगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब में जो इन्फिनेटिव्स होते हैं, यानी कि टू के बाद जो वर्ब यूज़ होते हैं वो हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हम लोग करते हैं. टू गो, टू राइट, आई वॉन्ट्स टू प्लेड फुटबॉल नहीं होगा, आई वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, ठीक है. तो टू के बाद हमेशा वर्ब में यूज़ कीजिए. वर्ब वन में एस सी एस हम लोग को मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई नेम होता है तो उसमें हम वर्ब के साथ एस या एस ऐड करते हैं. अगर वर्ब के अंत में कोई वोवेल हो तो यस, और अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो एस. उसके अलावा जो है बाकी जैसे आई, यू, दे, वी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें वर्ब के साथ एस एस नहीं ऐड किया जाता है. ये चौथा रूल हो गया. पांचवा रूल है वाइल. वाइल के साथ हम लोग हमेशा वर्ब वन प्लस आई एन जी यूज़ करते हैं. वाइल आई वॉज रीडिंग,
ही केम टू माई होम. जब मैं पढ़ रहा था तो ये वाइल के बाद हमको हमेशा याद रखना है कि वर्ब के साथ आईएनजी हम लोग यूज करेंगे, इसको ध्यान रखना है. सिक्स्थ है जो हम लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, मान लेते हैं अगर किसी पॉजिटिव सेंटेंस का अगर इंटरोगेटिव या हमको नेगेटिव बनाना है तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग डिड यूज़ करते हैं. जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल अगर है, आई गो टू स्कूल अगर इसका हमको बनाना है नेगेटिव तो आई नॉट गो टू स्कूल, ठीक है. और अगर इसी को हम पास्ट टेंस में लिख देते हैं, आई वेंट, आई वेंट टू स्कूल, तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आई नॉट गो टू स्कूल. तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम डिड यूज कर रहे हैं तो यहाँ वेंट यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि डिड और डज के बाद हमेशा वर्ब वन यूज होता है. डज के बाद वर्ब में एस सी एस नहीं लगाया जाता है और डेट के बाद वर्ब का कोई भी फॉर्म हम चेंज नहीं करते हैं. ये सिक्स्थ रूल है. सेवन्थ रूल है एंड. हम लोगों को पता है कि एंड एक कंजंक्शन है, एक कनेक्टर है जो दो चीज़ों को जोड़ता है. तो ध्यान में ये रखना है कि एंड के पहले या बाद में टेंसेज जो होते हैं सेम होते हैं. अगर एंड के पहले अगर कोई पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो एंड के बाद भी जो है वो पास्ट टेंस में ही होगा. एंड के पहले प्रेजेंट टेंस में है तो वो बाद में भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा. यानी जिस फॉर्म में वर्ब एंड के पहले होता है उसी फॉर्म में वर्ब जो है एंड के बाद भी होगा. उसके बाद आर्टिकल ए एन डी. ए एन हम लोग को मालूम है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है. एन जो है जनरली जो वॉवल साउंड्स वाले जो वर्ड लेटर्स होते हैं, जो वर्ब जो वर्ड्स होते हैं उसके पहले हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एन एप्पल, एन आर. उसके बाद ए जो है वो काउंटेबल जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ब के वर्ड के पहले यूज़ करते हैं, अ बुक, अ पेन. तो ये ध्यान में रखना है. और द जो है जनरली हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज़ नहीं करते हैं, द हम लोग प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं. और द का कुछ स्पेशल रूल्स है, लाइक बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, बिफोर द नेम्स ऑफ सम माइथोलॉजिकल और एपिक्स लाइक द रामायणा, द महाभारता. तो ये कुछ याद रखना पड़ेगा. उसके बाद एवरीबडी. नाइन्थ रूल में आप क्या देखेंगे, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, नोवन. तो ये सारे जो है, ये सारे अगर सब्जेक्ट हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हम लोग हमेशा यूज करते हैं. ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. जैसे एवरीबडी इज फाइन, एवरीवन इज फाइन, तो एवरीवन आर फाइन या वर फाइन नहीं होगा. यानी कि जितना सारा वर्ड है, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन और नन, नो वन, ये सारा जो है सिंगुलर वर्ब को लेता है, यानी सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं. नंबर टेंथ रूल. टेंथ रूल जो है, सबसे पहले हम लोग एडिटिंग में क्या करते हैं कि सबसे पहले पूरे पैराग्राफ का हम लोग टेंस भी पता करने का प्रयास करते हैं. अगर शुरुआत में अगर पास्ट टेंस में है तो वो सारा पास्ट टेंस में ही होता है, होना चाहिए. तो एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स एंड एंड विद द सेम टेंस. तो हर एक सेंटेंस जो है अगर वो स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंट टेंस से तो एंड भी प्रेजेंट टेंस से ही होगा, अगर स्टार्ट हो रहा है पास्ट टेंस से तो एंड भी पास्ट टेंस से ही होगा, ठीक है. तो इस तरह से जो है, लाइक कोई सेंटेंस है जैसे आई वेंट टू स्कूल, आई राइट देयर समथिंग. तो यहाँ देखिए शुरुआत जो है पास्ट टेंस से हो रहा है तो यहाँ पर राइट नहीं होगा, ये राइट गलत है, इसके यहाँ पे रोट होना चाहिए, आई रोट देयर समथिंग. तो आई होप ये सारे रूल्स जो हैं, ये गोल्डन रूल्स आपको बहुत ही मदद करेंगे. और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया. कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए. चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.